हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का जो षष्ठी का दिन, उसी दिन का है ये वीडियो शूट की थी। तो षष्ठी के दिन ही हम लोग सारे पंडल घूम लिए थे, मतलब 4-5 पंडल तो षष्ठी के दिन ही घूम लिए थे। तो उसी दिन का वीडियो ही एडिटिंग करते हुए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि ये है ताल बगीचा, जहाँ पे जो IIT DVC के जो जगन्नाथ मंदिर, उधर से थोड़ा आगे जाने से ये मिलता है अंदर में। तो यहाँ पे देखिए, इसको शायद अलादीन हाउस ने क्या बनाया है, तो कुछ इस तरह सा है, देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे हर साल बनता है। इस साल भी बहुत ही सुंदर ये जो पंडाल था, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसका। तो हर पंडाल बहुत अच्छा ही था, सारे पंडाल बहुत अलग अलग डिज़ाइन का था। तो ये देखिए, तो ये एंट्रेंस का पार्ट है, देख सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम ओरिजिनल दीवार की तरह लग रहा है। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलती हूँ। तो देखिए, ये तो गेट था, उसके बाद यहाँ पे बीच में थोड़ा सा खाली जगह है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा से। और आप लोग भी आए होंगे शायद घूमने, अगर नहीं आए हैं तो आइए। और भी दिन है, नवमी दसवीं तक रहेगा ये पंडाल। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, तो देख सकते हैं। तो चलिए अंदर के नज़ारा आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं हर साल इसीलिए आती हूँ कि यहाँ का डेकोरेशन जो वेस्ट बंगाल का मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोग को भी दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो देखिए, ये है गेट, उसके बाद ये एंट्रेंस है, मतलब जो सेकेंड वाला एंट्रेंस है, पहले वाला तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होता है, तो ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े होने के टाइम नहीं मिलता। जो षष्ठी के दिन थोड़ा सा खाली था, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट करके लाई हूँ अच्छा से। और सप्तमी के दिन से बहुत भीड़ हो जाता है, आप लोग को वीडियो शूट करने के लिए ही नहीं देते हैं, मतलब बहुत भीड़ हो जाता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी देख के आप लोग को भागना होता। तो देखिए, ये ऊपर का कुछ नज़ारा है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे आपको मूर्ति दिखा रही हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पे मूर्ति का इस तरह सा है कुछ बनाया हुआ है। और फिर से आप लोगों को थोड़ा सा साइड वगैरह का मैं नज़ारा दिखा दे रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अभी जाते हैं मेला में। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, वहीं पर ही मेला लगता है हर साल, बहुत बड़ा सा फील्ड है, इसलिए बहुत बड़ा मेला यहाँ पे आते हैं, मेला मतलब जो झूला वगैरह लगता है। तो मेरे बेटी को भूख लग गया है, यहाँ पे आई है वो कुछ, ये कौन सा चाट है पता नहीं, पापड़ी चाट या कौन सा, तो इसका प्राइस कुछ मेला में आज है 40 रुपया करके। तो वही बना रहा, देख सकते, यहाँ पे मसाला सब डाल रहा है आलू में, और उसके बाद यहाँ पे वो जो पापड़ी चाट उसको डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे खट्टा मीठा पानी पता नहीं क्या क्या सब डाला, उसके बाद मेरे बेटी दोनों खा रहे थे। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा झूला का नज़ारा आप लोग को दिखा रही हूँ, ये बड़ा झूला लगा हुआ है। उसके बाद चलिए आप लोग को मेला का कुछ नज़ारा आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर जो मेले में आते हैं सब तरह का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर कप प्लेट सब लगा हुआ है, आप लोग भी आके यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग बस कुछ ख़रीदे नहीं हैं, बस इस तरह से थोड़ा सा आप लोग के लिए ही मैं वीडियो शूट करके लाई हूँ, ताकि आप लोग की वीडियो को एंजॉय कर सके। और हर तरह, मतलब हर जगह के मेला तो एक ही होता है, फिर भी कुछ भी देखिए तो 7 रुपीज़ हर एक माल था। और यहाँ पे देखिए, ये जो जितना लेडीज़ का सामान था, गले का, कान का, वो 40 रुपीज़ करके था। और यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ अचार, सबसे मेला में बहुत अच्छा मुझे लगता है ये अचार का कलेक्शन। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी का अचार आता है, तो आप लोग ले, तो यहाँ पे देखिए ये पापड़ वगैरह है, बहुत सारा पापड़ भी आया है, आप लोग को जो पसंद वो ले सकते हैं। तो मैं इस बार कुछ ख़रीदी नहीं हूँ। और यहाँ पे शायद जो पता नहीं ये कौन कौन सा गोली सब बनाए थे, और बच्चे लोग के कैंडी क्रश वगैरह भी था, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर। तो चलिए और थोड़ा सा फ्लावर वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार उतना अच्छा मुझे फ्लावर नहीं लगा, मतलब थोड़ा अलग डिज़ाइन का आया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, ये है जो जगन्नाथ मंदिर है ताल बगीचा का, या DVC जो भी बोल सकते हैं वहाँ का।
तो वहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा घर के लिए मिठाई खरीदिए। ये उसी का ही नज़ारा है। और मेरी बेटी को भूख लग गया है यहाँ पे भी, और बच्चे लोग को पता है कैसे मेला में घूमने से उनको आइसक्रीम, एग रोल, चाउमीन सब भूख लग जाता है। तो यहाँ पे उन लोग अपना एग रोल एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए हैं जो बिग बाज़ार के बाद में पंडल होता है, कौन सा पंडल नहीं पता नाम, तो बिग बाज़ार को क्रॉस होके जाएंगे। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में ये पड़ता है वही वाला है, छोटा सा पंडल है, छोटा सा है बट बहुत ही सुंदर सजावट है। आप लोग को दिखाती हूँ पास से। तो चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअली रात के टाइम में ही बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हर पंडल घूमना, क्योंकि लाइटिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा सा होता है, इसलिए देखने को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फुहारा वगैरह कितना सुंदर से नज़ारा आ रहा है लाइटिंग से, तो बहुत ही सुंदर है। और चलिए अंदर आप लोग को लेके जाती हूँ पंडल। तो पंडल कुछ इस तरह सा ही था, छोटा सा पंडल था बट बहुत ही सुंदर था। तो अंदर चलिए, आप लोग को थोड़ा सा पंडल का अंदर भी दिखा देती हूँ। और मेरे हस्बैंड और अंदर नहीं आए, वो बाहर में ही खड़े थे। हम लोग ही दोनों बच्चे और मैं ही दोनों अंदर जा रहे हैं। तो ये अंदर का कुछ नज़ारा देखिए, और सारे जगह का मूर्ति जो है दुर्गा माता का बहुत ही बड़ा बड़ा था, देख सकते हैं। ये अंदर का कुछ इस तरह सा दृश्य है। देखिए आप लोग का अगर कभी टाइम मिलेगा तो जो जो बंगाल से बाहर में है उन लोग भी आ सकते हैं, पिछले साल मतलब सॉरी अगले साल आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लाइटिंग वगैरह हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा आगे में, जस्ट जो पहले वाला पंडल से थोड़ा आगे में और एक पंडल बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा मेला लगता है। यहाँ पे हर साल जो पंडल है बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। तो इस बार शायद ये इसको पता नहीं कौन सा हाउस, मुझे तो मैं अपने नाम से नाम दी हूँ, गोल्डन हाउस या कुछ बना हुआ था, तो सारा चीज़ गोल्ड गोल्ड कलर का था। तो चलिए इस साल देखते हैं अंदर में कौन सा डिज़ाइन सब बना हुआ है। देखिए ये हर साल बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये वाला पंडल भी। तो ये देखिए अंदर का कुछ इस तरह सारे, फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, सारे जो डेकोरेशन वगैरह है सब थर्माकोल से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर सुंदर देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है, 2-3 महीना पहले इन लोग अपने काम में लगे रहते हैं, इसी की वजह से हम लोग को इतना अच्छा जो डेकोरेशन है देखने को मिलता है। जिन लोग ये सब बनाए हैं उन लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है यहाँ पे। तो देख सकते कितना सुंदर नज़ारा है आप लोग को। और ये है यहाँ पे जो देवी दुर्गा का मूर्ति है कुछ इस तरह सा है, ये भी बहुत ही सुंदर है। और तो चलिए थोड़ा सा जो साइड वगैरह ऊपर का देखिए इस तरह सा नज़ारा है। तो इन लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हम लोग इतना सुंदर सुंदर जो पंडल है देखने को मिलता है। आप लोग भी उन लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये सब बनता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है देख सकते हैं, ये देखिए लाइटिंग का। तो हम लोग का दर्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हैं मेले की तरफ, और मेले में पहले में ही दिख रहा है मुझे गोलगप्पा, एकदम दोनों लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में गोलगप्पा था, और मुझे खाने को मन हो रहा था लेकिन मैं फास्टिंग में हूँ इसीलिए नहीं खा पा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ नज़ारा यहाँ पे मेले का कुछ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाई हूँ। ये थोड़ा सा जो पहले मेला था उससे थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, वो उससे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सामान सब मिल रहा था। तो यहाँ पे कुछ मैंने बर्तन वगैरह लिए जो पीतल का भगवान के लिए थोड़ा बहुत ख़रीदा, और कुछ नहीं हम लोग बस इस तरह सा घूम घाम के आए। तो अभी टाइम है, आप लोग भी आ सकते हैं, अभी 10 मई तक ये मेला रहेगा हर जगह का। अभी तो बारिश शुरू हो गया है, बारिश के वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, घूम नहीं पा रहे हैं। तो शायद 10 मई तक, 9वीं 10वीं अगर बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा। तो बस इस तरह से हमारा जो मेला का घूमना था इस तरह से हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो
रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह सा वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसको एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा झूला वगैरह लगा हुआ। तो आज के लिए धन्यवाद, आप लोग भी मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए।